इम्पोर्टेंट फॉर्मूले टिल नाउ आर? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, तो आपके पास में एन मॉलिक्यूल्स हैं, एन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन वॉल्यूम वी, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है यहाँ पर. तो सबसे पहला जो पॉइंट था आपके पास, दैट वॉज मीन वेलोसिटी. तो सी मीन कल पढ़ा था हम लोगों ने, ये सी वन प्लस सी टू एंड सो ऑन प्लस सी एन मीन्स दिस इज द सेम मेथड एज वी फाइंड मीन. सारे वेलोसिटीज को या स्पीड्स को आप ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय एन कर देंगे. देन द सेकेंड पॉइंट कम्स इन वेलोसिटी इटसेल्फ, मीन स्क्वेयर वेलोसिटी. तो इसको कैसे लिया था आपने? सबसे पहले आपने एक एक वेलोसिटी का स्क्वायर लिया था, देन आपने वो जो स्क्वायर्स का एडिशन आया उसका मीन ले लिया. सो द फॉर्मूला वॉज सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट वॉज इट्स यूनिट वॉज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. देन द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट वॉज रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी. सो वी टेक फर्स्ट इनिशियल लेटर्स आर एम एस एंड दिस इज डिनोटेड एज सी आर एम एस. सो विच इज द स्क्वेयर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसी का स्क्वेयर रूट हो जाएगा. सो इट इज अंडर रूट ऑफ सी वन स्क्वेयर प्लस सी टू स्क्वेयर एंड सो ऑन प्लस सी एन स्क्वेयर होल बाय एन. एंड रिमेम्बर दिस, इट इज इन द ब्रैकेट एंड यू आर टेकिंग होल स्क्वेयर रूट. दिस इज होल स्क्वेयर रूट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट वॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर. सो दिस इज पी, इट इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वी. नाउ टेकिंग दिस एम एन एज मास ऑफ द गैस, सो दिस विल बी 1/3 एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वी. नाउ टेकिंग दिस मास अपॉन वॉल्यूम एज द डेंसिटी ऑफ गैस, सो दिस इज 1/3 रो सी स्क्वेयर एंड ओवर हियर दीज सी स्क्वेयर आर द मीन स्क्वेयर वेलोसिटीज. ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, ये तीनों फैक्टर्स आपके पास में क्या है? दीज आर द मीन स्क्वेयर वेलोसिटीज. नाउ इसमें एक एक डेटा को हम बताते हैं. व्हाट इज स्मॉल एम मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, देन कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसी में कलेक्टिवली आप बता देते हैं व्हाट इज कैपिटल वी, दिस इज द वॉल्यूम. देन सी इज द आर एम एस स्पीड, और अगर आप सी स्क्वेयर बोलेंगे तो मीन स्क्वेयर हो जाएगा. कैपिटल एम इज मास ऑफ गैस एंड रो इज डेंसिटी ऑफ गैस. एज प्रीवियसली मेनी टाइम वी हैव स्टडीड दैट इट इज नॉट अ फिक्स पैरामीटर, ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ठीक है, कि आप छोटे कंटेनर में रखेंगे अगर जिसका वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली डेंसिटी विल बी मोर, एंड इफ यू आर यूजिंग अ बिग साइज कंटेनर देन डेंसिटी विल बी लेस. सो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ गैसेस इज नॉट फिक्स अनलाइक लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. नेक्स्ट पॉइंट वी आर टेकिंग एज
कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। तो कल हम लोगों ने देखा था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर, और दिस पॉइंट वाज आल्सो कॉल्ड एज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी, दिस वाज द पॉइंट। तो फिर से हम लोगों ने पहले फॉर्मूला लिखा था प्रेशर का, नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्ट फॉर्मूला 1/3 एम, दिस इज सी आर एम एस, बट इट्स स्क्वेयर सी आर एम एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का जो चाइल्डहुड फॉर्मूला मिलता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर, बट फॉर गैसेस वी आर टेकिंग काइनेटिक एनर्जी एज हाफ एम सी आर एम एस स्क्वायर, ऐसा लेते हैं आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है द हाफ इज लेस, ठीक है, यहाँ आपके पास में हाफ कम आ रहा है, तो आप इसमें एडजस्टमेंट करेंगे जब हाफ का। सो दिस इज बाय टू बोथ द साइड्स, बाय टू बोथ द साइड्स एडजस्टमेंट। सो वॉट इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये जो पूरा डेटा है आपके पास ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ दिस इज इक्वल टू थ्री, ये थ्री वी विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड ऑन एल एच एस, सो दिस इज थ्री पी वी डिवाइडेड बाय टू। अब आपने पी वी के प्लेस पर रख दिया आर टी, सो दिस इज 3/2 आर टी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। अब आपने लिया आर के प्लेस पर बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो इफ दिस इज कॉन्स्टेंट मीन दिस इज अ चॉइस कि यू कैन पुट दिस बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट एंड एवोगैड्रो का प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपके पास में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन आया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो दीज टाइप ऑफ सम वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर, सो यू कैन राइट दिस जनरल फॉर्मूला फॉर वन गैस बट टू काइनेटिक एनर्जीज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं आप कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आरएमएस स्पीड एंड टेम्परेचर। तो वो पॉइंट भी हम लोग कल कर चुके हैं ऑलरेडी, सिंस पावर इज प्रेशर इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, दिस इज अगेन सी आर एम एस। तो आप यहाँ से जब सिर्फ सी आर एम एस निकालना चाहते हैं तो आप ये जो भी डेटा है उनको शिफ्ट कर देंगे, सो यू विल बी गेटिंग मीन स्क्वेयर वेलोसिटी एस, दिस इज मीन स्क्वेयर वेलोसिटी प्री पी वी बाय एम। सो वॉट इज सी आर एम एस, बिकॉज दिस इज नाउ रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, तो आप स्क्वेयर रूट ले लेंगे 3 PV बाय एम। अब आपने PV के प्लेस पर पुट किया RT, सो वी गेट अनदर फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन एम, दिस इज फॉर 1 मोल द आर एम एस स्पीड, एन को 1 लिया आपने स्मॉल एन को। और इस फॉर्मूले में चेक दिस, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्मूले में अगर आप एम अपॉन वी को इसको पुट करते हैं डेंसिटी रो, सो नेक्स्ट फॉर्मूला वी आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ 3 P डिवाइडेड बाय रो। तो अगेन वी हैव डन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस लेक्चर दैट सी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी ओनली फॉर वन गैस, बट इफ यू आर टेकिंग डिस्कशन ऑफ टू गैसेस देन इट इज अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम। टिल देन इट वॉज द रिविजन, ठीक है। आज करेंगे हम लोग कुछ न्यू पॉइंट्स, जैसे द वेरी फर्स्ट न्यू पॉइंट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो यू मे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन डिफाइन
degrees of freedom and find it for monoatomic, diatomic, triatomic, and the last one is polyatomic gas molecules. ठीक है, दिस इज अ ब्रॉड क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो सबसे पहले जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करना चाहते हैं तो फ्रीडम का मीनिंग, बेसिक मीनिंग आपको पता है, बहुत प्यारी सी चीज है ये. फ्रीडम का बेसिक मीनिंग है आजादी, ठीक है, स्वतंत्रता. तो फ्रीडम की जब भी आप बात करेंगे उसके साथ में अगर आप डिग्रीज जोड़ देंगे वर्ड, तो मतलब ये हो जाएगा कि कितने टाइप की फ्रीडम पॉसिबल है एक गैस मॉलिक्यूल को. वो गैस मॉलिक्यूल के डिफरेंट चांसेस हो सकते हैं, सच है सपोज वी आर टेकिंग इन द केस ऑफ मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम होगा, 2 एटम्स होंगे, 3 एटम्स होंगे, और जब 3 से ज्यादा एटम्स होंगे तब आप उसको बोल देंगे पॉली एटॉमिक गैस. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डेफिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस इज जनरल डेफिनेशन, मतलब हम लोग इसको सारी गैसेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं. अभी फिलहाल हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मोनो एटॉमिक के लिए ये डेफिनेशन है, डायटॉमिक के लिए ऐसी डेफिनेशन है. वी आर टेकिंग द जनरल डेफिनेशन फॉर ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स, वेदर इट इज मोनो, डाई, ट्राई और पॉली. सो राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज defined, I am writing only the initial letters. Degrees of freedom is defined as the independent variables which the gas molecules can undergo. ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है. और एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सो राइट न्यू डेफिनेशन, इसको नोट कर लेंगे. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द इंडिविजुअल वेरिएबल्स विच द गैस मॉलिक्यूल्स कैन अंडर गो. सेकेंड डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी. ठीक है, अब देखो एनर्जी के टाइप्स आप रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल, व्हेन द पार्टिकल इज ओनली मूविंग, जब वो सिर्फ मूव कर रहा है, ट्रांसलेट करना मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना, देन द पार्टिकल विल हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी. एंड इफ द पार्टिकल हैज रोटेशनल मोशन देन द पार्टिकल विल हैव द रोटेशनल एनर्जी, जिसका एक्सप्रेशन आता है आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, वेयर नोट कर लेंगे आप, वेयर आई इज द, दिस इज रोटेशनल एनर्जी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन. And as we go for translatory motion, translational energy, so this formula is half
एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब गैस मॉलिक्यूल्स रोलिंग कंडीशन में अगर हुए सो वी विल बी गेटिंग द सम ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो फर्स्ट लेते हैं हम इस डिस्कशन में अपने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल लिया मैंने हीलियम, ठीक है, कोई भी इनर्ट गैस ले ली, और आर्गन लिया। अब ये है आपके पास में मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। अब आपने बोला कि ये मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है, तो आप इसके लिए डायरेक्शंस क्या दिखा सकते हैं? ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में जा सकता है, मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस में मूव कर सकता है। सो इसके पास में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुए 3। तो ये इंडिपेंडेंट वेज हैं कि जहां जाकर ये अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर सकता है। और ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसके पास कौन कौन से एक्सेस के होंगे? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। सो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, सपोज ये गैस मॉलिक्यूल पूरा, हम इसको सिर्फ मान रहे हैं सेंटर ऑफ मास को, मान लो ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। एज यू रिमेम्बर जो प्रेशर वाला फॉर्मूला था उसमें हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था जहां आपने मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर सरफेस पर इम्पिंज करवाया था। तो दिस वाज द सरफेस, तो द मॉलिक्यूल वाज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस। और क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल एक साथ 2 और 3 डायरेक्शंस में तो नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक पर्सन की भी जो प्रेजेंस होगी वो वन मोमेंट में वन प्लेस पर ही होगी। सो हम बोल सकते हैं और इट में है काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, और इट में है काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। तो आपके पास मोनो एटॉमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं 3। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। सो राइट न्यू हेडिंग एज डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। एंड नाउ ऑब्वियसली जब हम डाई एटॉमिक बोल रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल में डाई, डाई का मीनिंग हो गया 2 एटम्स होंगे। तो एज्यूम करेंगे हम दिस इज वन एटम, इट इज सेकेंड एटम, और दोनों एटम्स के बीच में एक रिश्ता है यहाँ पर। ठीक है, ये रिश्ते को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? वॉट इज दिस रिलेशनशिप नोन एज हियर? दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड, कि ये जो दोनों एटम्स हैं इन्होंने आपस में एक रिलेशनशिप बनाया हुआ है। किसकी हेल्प से रिलेशनशिप बनाया हुआ है इन्होंने? केमिकल बॉन्ड की हेल्प से। अब क्या हो गया, ये ट्विन्स के जैसा एक्ट करेंगे। मतलब एक ऐसी बॉडी जो आपस में जुड़ी हुई है, तो इसमें अगर आप सेंटर ऑफ मास लेते हैं, अब यहाँ दोनों एटम्स के सेपरेट मूवमेंट्स को आप ध्यान नहीं देंगे, यू विल बी टेकिंग इट सेंटर ऑफ मास। तो ये आया इसका सेंटर ऑफ मास। ओके, अब सेंटर ऑफ मास को ही आप मान लेंगे यहां पर कि ये एक सिंगल बॉडी है। तो हमने दोनों एटम्स की प्रेजेंस को नलीफाई किया और हमने सेंटर ऑफ मास को मान लिया कि दैट इज अ सिंगल एटम रिप्रेजेंटिंग बोथ द एटम्स। सो अब इस सिंगल एटम के पास 3 एक्सेस हो सकते हैं फ्रीडम के। सो वन इज अलोंग एक्स एक्सेस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सेस, एंड थर्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब जेड एक्सेस। तो फिर से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की हम जैसे ही बात करेंगे,
फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपके पास, मोशन कैसा है। तो कैसा है भाई मोशन यहाँ पर, अगर सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, मीन सपोज ये दोनों एटम्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमको राइट साइड में जाना है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना है, तो ऑब्वियसली दे विल हैव ट्रांसलेशनल मोशन। दोनों एटम्स अगर मिलकर डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें तो वाई में जाना है, तो फिर ये सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। बट अगर दोनों मान जाते हैं कि नहीं, हम एक्स में भी नहीं जाएंगे, वाई में भी नहीं जाएंगे, हमें तो जेड में जाना है, तो इसका मतलब है उनके पास ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए 3। ठीक है, अब बात उठती है कि दोनों एटम्स के पास एक और डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो सकती है, विच इज कॉल्ड एज द रोटेशनल एनर्जी। अब क्वेश्चन उठेगा, रोटेशन कैसे हो सकता है। तो देखो, अगर रोटेशन सिर्फ ऐसे हो रहा है, सिर्फ ऐसे, ठीक है, मींस दिस इज द रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, कि दोनों एटम्स इस तरह से अपनी ही प्लेस पर रोटेट करते जा रहे हैं, और बिकॉज दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो ये एटम को भी ऐसे ही रोटेट करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ये जो एटम नंबर 1 है वो बोलेगा कि मुझे क्लॉकवाइज घूमना है, तो एटम 2 बोलेगा कि नहीं, मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। दिस इज कॉन्ट्रेरी पार्ट। तो दोनों को एक ही टाइप का रोटेशनल मोशन भी रखना पड़ेगा। तो फिर जब दोनों एक्स एक्सिस के अबाउट घूमते हैं, तो दोनों के ये जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो पोजीशंस हैं, वो फिक्स रहते हैं। तो आपने यहाँ जब रोटेशनल मोशन अबाउट एक्स एक्सिस लिया सपोज, तो रोटेशनल एनर्जी अबाउट एक्स एक्सिस को आपने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि जैसे ही वो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस करते हैं, तो देयर इज नो चेंज इन देयर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और देयर स्टेट्स। नेक्स्ट वी आर टेकिंग द रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम डायग्राम बना के देखते हैं कैसे वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे वो। तो चेक दिस, ये आपके पास एटम नंबर 1 है और ये है वाई एक्सिस, एंड दिस इज एटम नंबर 2। तो जब 1 एंड 2 वाई के अबाउट रोटेट करने लगेंगे, तो दे विल बी मेकिंग दिस टाइप ऑफ सर्कल, और उसमें ये जो डिस्टेंस होगा मीन डिस्टेंस, मतलब हाफ द केमिकल बॉन्डिंग डिस्टेंस, वो आपके पास में बन जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। सो ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस में जो रोटेशन होगा वो सिग्निफिकेंट हो गया, तो हमने इसको यस बोल दिया। अब आता है जेड एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस कहाँ से जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, मतलब इट इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जब ये जेड एक्सिस की तरफ घूमेंगे, तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे, इस तरह से। सो अगेन दिस मोशन इज सिग्निफिकेंट। तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए आपके पास में टोटल 2, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए 3, तो आपके पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए, 3 और 2 मिलाकर हो गए 5, जिसमें से 3 जो पार्ट है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, एंड जो 2 पार्ट्स है वो रोटेटरी मोशन है, क्योंकि 1 एक्सिस में भी डिपेंडिंग ऑन वाई एक्सिस और जेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने एटम्स को कैसे प्लेस किया। मान लो मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊं, ऐसा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर वो जो दोनों एटम्स थे उनको यहाँ रख दिया, तो जब वो एटम वाई एक्सिस के अबाउट घूमेंगे, तो रोटेशन अबाउट वाई जो होगा वो उनकी कोऑर्डिनेट्स के स्टेट्स में चेंज नहीं लाएगा। तो यहाँ पर फिर आप वाई को नेग्लेक्ट करेंगे, और वाई को नेग्लेक्ट करेंगे, दिस इज द साइन फॉर नेग्लिजेंस। ठीक है, यहाँ आप वाई के अबाउट जो मोशन हो रहा है उसको बोल देंगे कि वैलिड नहीं है, और जो एक्स के अबाउट मोशन है वो वैलिड है, जेड एक्सिस के अबाउट भी जो मोशन है वो वैलिड है। सो डाई एटॉमिक में टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए आपके पास 5। ओके, नेक्स्ट गो फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो एज द नेम इम्प्लाइज, ट्राई एटम्स होंगे इसमें, मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो रिलेशंस होंगे आपके पास, दोज विल बी 3 रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल। तो
ये मैंने बनाया, सपोज एटम नंबर 1, दिस इज एटम नंबर 2 एंड दिस वन इज एटम नंबर 3. अब मैंने जब इनके बीच में बॉन्ड्स ड्रॉ किए तो आई एम गेटिंग एज द फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टोटल बॉन्ड्स कितने मिल गए? टोटल बॉन्ड्स मिल गए मुझे 3. वन दिस इज सपोज फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, और ये हो गया मेरे पास 3 नंबर का बॉन्ड. अब फिर से ये जो 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स, उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा, क्योंकि आप तीनों एटम्स को अलग अलग तो मूव कर नहीं सकते. तो सपोज आपने बोला कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है, सपोज ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर सिचुएटेड है. अब फिर से आप सेंटर ऑफ मास को क्या एज्यूम कर लेंगे? अ सिंगल बॉडी और एज अ कंप्लीट होल बॉडी. अब फिर से इसकी सिंगल बॉडी के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. तो ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है वो हार्मोनी में डिसाइड कर लेगा कि उसको कौन से एक्सिस में जाना है. सो इट विल हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर इट्स ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है रोटेशनल मोशन का. तो हाउ कैन वी टेक रोटेशनल मोशन इन द केस ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स? तो फिर से मैंने यहाँ लिया ये एक एटम, सेकेंड एटम एंड थर्ड एटम. इसको मैंने जब ज्वाइन किया सेंटर टू सेंटर, एक बॉन्ड मिला मुझे. अगेन आई हैव ज्वाइंड इट सेंटर टू सेंटर, सेकेंड बॉन्ड मिला. एंड अगेन आई ज्वाइन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, थर्ड बॉन्ड मिला. अब यहाँ बनाया मैंने सेंटर ऑफ मास. नाउ आई एम ड्रॉइंग 3 एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. तो एज यूजुअल जो भी आपके पास में नेचुरल है उसको आप बोल देंगे दिस इज एक्स एक्सिस. देन दिस वन इज, जो इसके ऊपर वर्टेक्स से होकर जा रहा है, दिस इज वाई एक्सिस. एंड दिस वन इज जेड एक्सिस विच इज कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस एक्ट्स एज द ओरिजिन. अब फिर से देखो यहाँ पर जब ये रोटेट होगा, बिकॉज 3 मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पर, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट जब सिस्टम रोटेट होगा तो मोशन किसी भी एक्सिस के अबाउट नलीफाई नहीं होगा. सो आपके पास में यहाँ पर आ जाएंगे 3 रोटेशनल रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशन के भी 3 आ जाएंगे यहाँ पर. सो व्हाट इज दिस मेकिंग टोटल एज 3 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 6. तो दिस इज फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स. तो 3 किसने कंट्रीब्यूट किया? ट्रांसलेटरी मोशन ने. एंड फिर 3 कंट्रीब्यूट किया रोटेटरी मोशन ने अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. गॉट इट? अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो ये जो पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, द वर्ड पॉली, पॉली हैज द मीनिंग ऑफ मैनी. तो मैनी आप फिजिक्स और मैथ्स में कब लेते हैं? वेन द नंबर इज मोर देन 3, क्योंकि 3 तक को तो आप ट्राइंगल बोल देते हैं या फिर ट्राई बोल देते हैं. वेन द नंबर इज मोर देन 3, सपोज वी टेक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला H2SO4. अभी अगर आपने इसी के वेपर्स फॉर्म ले लिए तो आप उसको बोल देंगे गैस. तो हाउ मैनी एटोमिक मॉलिक्यूल इज दिस? दिस इज 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7. इसमें आपके पास 7 एटम्स हैं. तो फिर इस 7 को आप एज्यूम कर लेंगे एन. तो आपके पास इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आंसर क्या आएगा? 3n - r, वेयर दिस r स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट रिलेशंस. कि कितने रिलेशंस उनमें इंडिपेंडेंटली बन रहे हैं, वो रिलेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
एग्जाम्पल लेकर देखो आप इसको. टेक एग्जाम्पल एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल. तो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल में आपके पास एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू डाई था, तो एन की वैल्यू आ गई टू. तो और रिलेशनशिप्स जो आपके पास बन रहे, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, व्हेन यू टेक अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप है यहाँ पर वन. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, 3 × 2 − 1. सो दिस विल बी गिविंग अस द नंबर 5, जो हम प्रूव कर चुके हैं कैसे आया था. उसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, प्लस 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, तो आपके पास आंसर आ गया था 5. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप इसी को अप्लाई करके देखो ट्राई एटॉमिक में. ट्राई एटॉमिक में आपने 3 एटम्स ड्रॉ किए. तीन एटम्स आपने ड्रॉ कर लिए, तो इसमें एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3. एंड फाइंड व्हाट आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, एंड दिस इज फॉर डू इट योरसेल्फ. इसकी आप अपने आप से डेरिवेशन करो कि हाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम एज 6. ट्राई एटोमिक के केस में आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन भी होता है, वेर यू गेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज 7 ऑल्सो. तो यहाँ पर जो 6 फैक्टर बना था वो 3 + 3 से बना था. तो दिस विल बी फॉर डू इट योरसेल्फ. इट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, देखो फिर से आपके पास यहाँ नाम बहुत बेहतरीन आ गया. इक्वी का मीनिंग हुआ इक्वल, पार्टीशन का मीनिंग हुआ आपके पास पार्ट्स, मींस आपके पास जो भी टोटल एनर्जी होगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेक कर लेंगे आप, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेक कर लेंगे, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग हम इक्वल पार्ट्स बना देंगे. सो फर्स्ट राइट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. सो राइट इट इन अ क्लासिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विच इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, मतलब उसमें कहीं भी नेट फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, नेट फोर्सेस आर जीरो. सो अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच इज इन इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी, द एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल, क्योंकि हम गैसेस में एज्यूम करके चलते हैं काइनेटिक थियरी के हिसाब से कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव ओनली द टाइप ऑफ एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी पर पार्टिकल एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम इज हाफ के बी इंटू कैपिटल टी. ठीक है, मतलब यहाँ देखो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो भी एनर्जी होगी उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी मिलेगी हाफ के बी इंटू कैपिटल टी. सो आई रिपीट द स्टेटमेंट, इन अ क्लासिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विच इज इन इक्विलिब्रियम. सो दिस वर्ड इज नेसेसरी टू बी यूज्ड इन
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पर पार्टिकल को जो एनर्जी मिलेगी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में, उसका आंसर होगा हाफ के बी इंटू टी, वेयर के बी कंबाइंड इज बोल्ट्समैन्स कॉन्स्टेंट. दिस इज बोल्ट्समैन्स कॉन्स्टेंट है ये, एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो आपको इसको केल्विन में ही कन्वर्ट करना है. तो इफ टेम्परेचर इज गिवन इन सेल्सियस, यू विल एड 273 इन दिस एंड फाइंड द आंसर इन केल्विन. ठीक है, अब तो लिखेंगे आप इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, कि जैसे हम लोगों ने सपोज लिया था मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, सो उसके पास थे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कैसे थे? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता था, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता था, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता था, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. तो इस अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस मिलती है हाफ के बी इंटू टी. वाई एक्सिस के अबाउट अलोंग अगर मूव करता है सो इट हैज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हाफ के बी इंटू टी. एंड अगर जेड एक्सिस के अलोंग मूव करता है सो इट हैज द एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस एज हाफ के बी इंटू टी. तो अगर आप तीनों एक्सिस की एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो उसको मैक्सिमम परमिसेबल एनर्जी इस मोनो एटॉमिक के पास क्या हो सकती है? मैक्सिमम परमिसेबल मतलब उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी लेस देन और इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी. सो ये 3 फैक्टर कहाँ से आया आपके पास? ये देखो, इससे आया वन वन एंड वन, ये तीनों को ऐड करके. सो कैसे मिला? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ एंड के बी टी वॉज कॉमन इन ऑल 3. सो नाउ डू इट योर सेल्फ, फाइंड द राइट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम परमिसेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले बताओ बेटा, इसमें आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आते हैं और कैसे आते हैं? तो टेल मी द आंसर, व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल? इट इज 5. और ये कैसे आते हैं? 3+2 करके आते हैं. 3 पार्ट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड 2 पार्ट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो एफ का आंसर आ गया 5. तो इसके पास मैक्सिमम परमिसेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एफ इंटू के बी टी. तो ये जो फैक्टर है वो तो आपके पास कॉमन है बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. आप इसमें एफ मल्टीप्लाई करते हैं मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई करते हैं. सो व्हाट आर यू गेटिंग एज टोटल एनर्जी? हाफ के बी इंटू टी इंटू 5. तो आंसर क्या मिला? 5/2 के बी इंटू टी, ये आ गया आपके पास टोटल आंसर. नाउ राइट न्यू क्वेश्चन. ठीक है, सो फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स. तो निकालो इसका आंसर.
Done. So, how it comes? What is degree of freedom for triatomic gas molecules? It is 6. So, maximum permissible kinetic energy is general formula half kBT. तो एक-एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से. सो पुटिंग दिस वैल्यू एज 6, दिस इज 6/2 मींस 3 kB इनटू कैपिटल T.